मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे कैम एंड फॉलोअर पे, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग है न्यूमेरिकल ऑन कैम एंड फॉलोअर। कैम एंड फॉलोअर पे कैसे क्वेश्चन करते हैं उसको थोड़ा समझेंगे आज। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ अ कैम ऑपरेटिंग अ नाइफ एज फॉलोअर हैविंग अ लिफ्ट ऑफ 30 mm, ठीक है। ऐसे कैम का प्रोफाइल हमको डिज़ाइन करना है जो कि ऑपरेट कर रहा है किस पे, एक नाइफ एज फॉलोअर पे, ठीक है। और जो फॉलोअर का लिफ्ट है, ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम पोजीशन फॉलोअर लिफ्ट कर सकता है, एच की वैल्यू दिया है यहाँ पर 30 mm। द कैम रेजेस द फॉलोअर विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब जो 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 फॉलोअर का राइज हो रहा है वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के साथ हो रहा है फॉर 150 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एक्सेंट दिया है 150 डिग्री ऑफ रोटेशन फॉलोड बाई अ ड्वेल पीरियड फॉर 60 डिग्री। ड्वेल पीरियड इसमें दिया है 60 डिग्री, एंगल ऑफ ड्वेल दिया है 60 डिग्री। द फॉलोअर डिसेंड्स फॉर द नेक्स्ट 100 डिग्री रोटेशन ऑफ द कैम विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसका रिटर्न मोशन इसमें दिया है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एंगल ऑफ डिसेंट कितना दिया है 100 डिग्री, ठीक है। तो मतलब इसमें जो फॉलोअर का जो राइज हो रहा है, जो लिफ्ट हो रहा है, वो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है, लेकिन जो रिटर्न हो रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मोशन के साथ हो रहा है, ठीक है। फॉलोड बाई ए ड्वेल पीरियड द कैम रोटेट्स एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 120 rpm, कैम का जो है एंगुलर स्पीड यहाँ दिया है 120 rpm एंड हैज़ अ लिस्ट रेडियस ऑफ 20 mm, और कैम का यहाँ रेडियस दिया है 20 mm। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फॉलोअर ड्यूरिंग द लिफ्ट एंड रिटर्न, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हमको इसमें जो है, सबसे पहले कैम का प्रोफाइल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। कैम का प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ देखते हैं कैसे इसमें कैम का प्रोफाइल हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हम गिवन डाटा लिख लें, क्या क्या गिवन डाटा इसमें दिया हुआ है। तो गिवन डाटा यहाँ देखें क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो इसमें दिया है लिफ्ट, लिफ्ट मतलब हाइट दिया है, कितनी हाइट तक फॉलोअर जो लिफ्ट कर सकता है उसकी वैल्यू दिया है h इक्वल टू कितना दिया है 30 mm, ठीक है। 30 mm क्या है, या 3 cm कह सकते हैं हम, 3 cm जो है इसकी हाइट दिया है, 30 mm को 3 cm बोल सकते हैं, ठीक है। देन कैम राइजेज द फॉलोअर विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 150, एंगल ऑफ एक्सेंट फाई ए की वैल्यू दिया है 150 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसके बाद एंगल ऑफ ड्वेल दिया है डेल, एंगल ऑफ ड्वेल कितना दिया है 60 डिग्री, एंगल ऑफ ड्वेल दिया है 60 डिग्री। उसके बाद तो ये यहाँ पे एंगल ऑफ ड्वेल दिया है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ डिसेंट दिया है यहाँ पे फाइव डी, एंगल ऑफ डिसेंट दिया है फाइव डी की वैल्यू यहाँ कितना दिया है, फाइव डी दिया है 100 डिग्री, ठीक है। और फिर उसके बाद और क्या डाटा दिया है इसमें, अच्छा एन की वैल्यू दिया है, एन जो है स्पीड ऑफ कैम, एंगुलर स्पीड ऑफ कैम दिया है 120 rpm, ठीक है। और लिस्ट रेडियस ऑफ कैम, कैम का रेडियस दिया है आर इक्वल टू 20 mm, 20 mm क्या है यार, 2 cm क्या है, ठीक है। तो ये इतनी सारी वैल्यू हमको दिया है। सबसे पहले हमको कैम का प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो कैम का प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कैम का प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको उसका जो है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने बताया था, जो मैंने थ्योरी पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने कि सबसे पहले हमको एक सूटेबल स्केल लेना पड़ेगा, ठीक है। जो एंगल ऑफ एक्सेंट है या ड्वेल पीरियड है या एंगल ऑफ डिसेंट है, इसके लिए हमको सूटेबल स्केल लेना पड़ेगा। तो यहाँ मान ले रहे हैं कि वन सेंटीमीटर इक्वल टू 25 डिग्री, ठीक है। ये एक वैल्यू ने मान लिया है 1 cm = 25 डिग्री, मतलब कि अगर 1 cm = 25 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि मतलब 150 डिग्री के लिए टोटल जो एंगल हमारा है कितना है, टोटल एंगल अगर हम जोड़ें तो कितना 150 डिग्री के लिए कितना सेंटीमीटर लाइन हमको खींचना पड़ेगा, तो ये हमको लगभग 6 cm की लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे कैम एंगल के लिए 150 डिग्री के लिए ये हमको 6 cm की लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है लगभग। उसके बाद जो ड्वेल पीरियड है 60 डिग्री का, इसके लिए इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 2.4 सेंटीमीटर, ये इतना मुख खींचना पड़ेगा। उसके बाद जो डिसेंट, एंगल ऑफ डिसेंट है 100 डिग्री, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 100 डिग्री के लिए हमको खींचना पड़ेगा कितना बड़ा लाइन, 25 से डिवाइड करेंगे तो इसके लिए हमको खींचना पड़ेगा लगभग 4 सेंटीमीटर का लाइन, ठीक है।
तो ये इतना इतना लेंथ हमको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रॉ करना है, ठीक है, और वर्टिकल पे जो हाइट है वो दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारा लेंथ लेके हम एक स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है उसको हम थोड़ा बनाएंगे यहाँ देख के। तो यहाँ यहाँ पे ये जो हाइट है, हाइट हमको 3 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से तो हाइट हम ड्रॉ कर लेंगे 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर हाइट हो गया, लिफ्ट हो गया, ठीक है, वाई एक्सिस पे आ गया। क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना रहे हैं तो इसमें वाई एक्सिस पे जो लिफ्ट और हाइट, लिफ्ट या हाइट ऑफ स्ट्रोक आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस पे 3 सेंटीमीटर जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये हमने 6 सेंटीमीटर, 2.4 और 4 सेंटीमीटर ये हमको खींचना है इसको हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल पे कितना हो जाएगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल पे ये हो जाएगा, यहाँ से ये, यहाँ से पहले 6 सेंटीमीटर हो गया एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ एक्सेंट के लिए हो गया। उसके बाद यहाँ से 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, उसके बाद 4 सेंटीमीटर, उसके बाद 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है। इसको मार्क कर लें तो अच्छा रहेगा, यहाँ समझ में आ जाएगा हमको ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये एंगल ऑफ एक्सेंट के लिए, ठीक है। और इसको मार्क कर लेते हैं हम कि कहाँ तक ये एंगल ऑफ एक्सेंट है। फिर टोटल यहाँ से देखें हम तो ये 6 सेंटीमीटर तक जो है, यहाँ तक ये एंगल ऑफ एक्सेंट है। उसके बाद 2.4 यहाँ तक जो है ये ड्वेल पीरियड है। फिर यहाँ से लेकर ये लास्ट पॉइंट तक ये जो है ये एंगल ऑफ डिसेंट है, ठीक है। तो हमको पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो ये दूरी लेकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है हमको। तो यहाँ से इधर से भी हमको ये 3 सेंटीमीटर ऊपर ये लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये लाइन यहाँ हो गया ऐसे, ठीक है, लाइन कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये पूरा रेक्टेंगल हम पूरा कर लेंगे, इसको मिला देंगे तो ये रेक्टेंगल पूरा बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के लिए हमारा रेक्टेंगल बन गया है, ठीक है। अभी इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इसको पहले 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक हम अंदाजे से 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये पहला जो हिस्सा है इस रेक्टेंगल में, पहला जो पोर्शन है, पहला पोर्शन क्या दिखा रहा है हमको, पहला पोर्शन क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एंगल ऑफ एक्सेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो हमने टिक किया, पॉइंट टिक किया है, इसे ड्रॉ करेंगे। ये क्या दिखा रहा है, इतना हिस्सा ये दिखा रहा है ड्वेल पीरियड, ठीक है, ये ड्वेल पीरियड है। इसको थोड़ा नीचे बढ़ा देंगे ताकि हम दिखा सकें क्या दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये जो इतना हिस्सा है ये है एंगल ऑफ रिटर्न, ठीक है। इसको यहाँ लिख के हम बता भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ नीचे अगर हम रिप्रेजेंट कर सकें तो और अच्छी बात है, ये क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये इसको यहाँ से बता सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये एंगल ऑफ एक्सेंट ये है फाई ए, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 150 डिग्री, ठीक है। और ये जो इतना पोर्शन है ये एंगल ऑफ ड्वेल है डेल्टा, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। और ये जो इतना पोर्शन है ये एंगल ऑफ डिसेंट है फाई डी, इसकी वैल्यू कितना दिया है 100 डिग्री, ठीक है। अब चूंकि हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 डिग्री, तो अब इस 25 डिग्री के हिसाब से जो एंगल ऑफ एक्सेंट है 150 डिग्री, ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा। तो इसको अगर देखें हम तो ये 6 सेंटीमीटर लाइन में हमने खींचा है, तो अगर 1 सेंटीमीटर लेके डिवाइड करें तो 6 पार्ट में टोटल डिवाइड होगा ये, ठीक है। तो इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेके इसको 6 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे,
ठीक है, क्योंकि पहला जो एंगल ऑफ एक्सीडेंट है इसको कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन लेके बनाना है डायग्राम, तो थोड़ा सा इसको हमको समझना पड़ेगा। कांस्टेंट एक्सीलरेशन हमको पता है कैसे बनता है, तो उसके लिए पहले हमको इसको 1 सेंटीमीटर से 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 6 पार्ट में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये एंगल ऑफ, ये ड्वेल है, इसको डिवाइड नहीं करना है, लेकिन फिर जाके उसके बाद एंगल ऑफ डिसेंट को भी हमको कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 25 डिग्री के हिसाब से ये 4 सेंटीमीटर, तो 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर का, ये 4 पार्ट में करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर का। तो इसको भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से जो है ये हो गया, ये भी ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अभी इन सबको लेके हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये, पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये टोटल 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, ओके। अच्छा, हमने यहाँ पे नाम नहीं दिया कुछ, इसको हम ए पॉइंट बोलते हैं, यहाँ जो होता है इसको हम ए नाम दे देते हैं। और ये वाई एक्सिस है चूंकि, तो इसको हम वाई ही नाम देते हैं, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स नाम देते हैं हम, ठीक है। और ये हमको पता है, ये तो हाइट है, ये तो लिफ्ट है, इसको हम बोलते हैं लिफ्ट। यहाँ हम लिफ्ट दिखाते हैं, लिफ्ट एच इक्वल टू ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अभी जो है, अभी ये पहला जो पोर्शन है ये दिखा रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन के लिए हम क्या करते हैं, हमको पता है उसको भी, हमको उसका उसका जो मेथड, क्या करते हैं हम, जो सबसे बीच वाला जो लाइन है, सबसे सेंटर वाला जो लाइन है, इसको थोड़ा डार्क करेंगे हम, ठीक है। जो बीच वाला जो लाइन है इसको थोड़ा डार्क करेंगे हम। अच्छा, उससे पहले जितना हमने डिवाइड किया उसको नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, और ये 11 हो गया, ठीक है। ये इतना पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, ओके, इतना ये हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है, अच्छा, उसका ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन से ये चल रहा है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में कैसे डायग्राम बनाते हैं, तो उसके लिए हम सबसे सेंटर वाला जो लाइन होता है उसको फिर 6 पार्ट में डिवाइड करना है हमको, ठीक है। जो सेंटर वाला लाइन है उसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा ये अलग दिखाई दे, ठीक है। और इसको फिर हमको 6 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। क्योंकि 3 सेंटीमीटर की लाइन है, तो 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 सेंटीमीटर का ये 6 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसको 0.5 सेंटीमीटर में कैसे डिवाइड करेंगे हम, ये 0.5 सेंटीमीटर का पॉइंट लेके हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये मार्क कर देंगे 0.5 सेंटीमीटर पे, एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, और ये छठा हो गया, ठीक है। ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, ओके। इसको भी हम कुछ नाम दे देंगे, ये सारा जो पॉइंट है इनको भी कुछ हम नाम दे देंगे। इसको हम नाम दे रहे हैं 1, ये नाम दे रहे हैं 1 डैश, ये है, चूंकि 1, 2, 3, 4 नाम दे चुके हैं तो यहाँ डैश करके नाम देंगे, 1 डैश 2 डैश, ये है 3 डैश, ठीक है। यहाँ है, ये है 4 डैश, ये है 5 डैश, ठीक है। ऐसे हमने एक नाम दे दिया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि अब हमको पता है मेथड क्या करना है, कि सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है ये 1 डैश, इसको हमको मिलाना है इस ए से, ठीक है। इस 1 डैश को, 2 डैश को और 3 डैश को, तीनों को हमको ए से मिलाना है, ठीक है। और मान लो ये जो कॉर्नर है यहाँ पे, ये जो कॉर्नर है ये मान लो जी है, इसको हमने नाम दिया है जी, ये पॉइंट जी है। और फिर ये 3 डैश के जो ऊपर जो पॉइंट है 4 डैश 5 डैश, इसको हमको मिलाना है
थ्री डेज फोर डेज फाइव डेज को इसको सिमिलरली जैसे नीचे मिला रहा है वैसे ही ऊपर से मिलाना है जी से, ठीक है। तो ये मतलब मेथोडोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पढ़ा वैसे ही करेंगे। तो यहाँ वन डेज को हम ए से मिला देंगे, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आने का एक तरीका है कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन के लिए, तो उस तरीके को हम फॉलो करेंगे। ये हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये जब ए को हमने वन डेज से मिलाया है, तो ये जो लाइन, ये जो वन डेज से जो लाइन मिली है, ये लाइन जो पहला वन वाली जो लाइन है, इसको जहाँ पे कट करेगी इसको हम बोल देंगे पॉइंट बी, ठीक है। ये जो ये हमको पॉइंट मिला है इसको हम बोल देंगे पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है। उसके बाद अगेन हम टू डेज से जब मिलाएंगे हम ऐसे ही बारी बारी से मिलाते जाएंगे। अब टू डेज से जब मिलाएंगे तो ये टू वाली लाइन को, ये टू डेज वाली लाइन जो लाइन है, ये टू वाली लाइन को जहां कट करेगा इसको हम बोल देंगे पॉइंट, इसको हम पॉइंट कर लेंगे, इसको हम बोल देंगे पॉइंट सी, ठीक है, इसको बोल देंगे पॉइंट सी, ओके। अभी इसके बाद अब ये थ्री डेज वाली लाइन हम मिलाएंगे, ऐसे ही बारी बारी मिलाते जाएंगे। ये थ्री डेज वाली लाइन कुछ ऐसे मिल जाएगी, यहाँ मिल गई। अच्छा, यही थ्री डेज वाली लाइन ये ऊपर जी तक भी चली जाएगी, यही सेम लाइन ऊपर भी जाएगी, इसको हम यहाँ से जी से भी मिला देंगे, ठीक है। तो अब ये थ्री डेज वाली लाइन जो है, थ्री डेज लाइन, तो ये थ्री को बीच में ही कट कर रहा है, सेंटर पॉइंट पे ही कट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट हमारा डी, ये ए बी सी, ये हो गया पॉइंट डी, ठीक है। अब इसके बाद हमको पता है कि इसके बाद ये फिर ऊपर से मिलाना है, ठीक है। इसके बाद यही जो काम नीचे किया है ये ऊपर से हमको करना है इस कॉर्नर से। तो अब फोर डेज को मिलाएंगे जी से, ठीक है, फोर डेज को मिला देंगे जी से। तो ये हमने मिला दिया जी से, ठीक है। तो अब ये फोर डैश वाली लाइन जो है, ये फोर को जहाँ कट करेगी ये जो हो जाएगा, ये पॉइंट डी तक आएगा, तो ये पॉइंट ई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ई, ठीक है, पॉइंट ई हो जाएगा। उसके बाद फाइव डैश को हम मिला देंगे फिर जी से, ठीक है, फाइव डैश को मिला देंगे ऊपर जी से, तो ये कुछ ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। और ये फाइव डैश वाली लाइन, ये फाइव को जहाँ कट करेगी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा पॉइंट एफ, ठीक है, ये पॉइंट एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे पॉइंट्स हमको मिल गए, ओके। तो हमको पता है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अच्छा, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट, ए तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, और जी बिल्कुल एंड पॉइंट है, और ये बीच में ये सारे हमको ए बी सी डी ई एफ, ये सारे बीच वाले पॉइंट हमको मिल गए हैं। अब हमको कांस्टेंट एक्सीलरेशन का कर्व कैसे बनाना है, ये पता है कि जितने पॉइंट हमको मिले हैं उसको मिला के हमको एक कर्व ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो उससे हमको कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ये ग्राफ हमको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो जितना पॉइंट हमको मिला है ए बी सी डी सबको मिलाते हुए कर्व बनाएंगे, तो ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ये ऊपर से ऐसे घूम जाएगा, ऐसे जाते हुए जी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कांस्टेंट एक्सीलरेशन का हमको कर्व मिल गया, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ऐसे कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये हमको कर्व मिल गया कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन के लिए, जो कि एंगल ऑफ एक्सेंट के लिए, ठीक है। तो ये जो राइज हो रहा है फॉलोअर का, उसके लिए हमको ये ग्राफ मिल गया है। अब ये इतना जो है एंगल ऑफ, ये तो ड्यूअल हो गया, ड्यूअल पीरियड हो गया, तो इसका तुमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ड्यूअल पीरियड मतलब यहाँ कोई मोशन नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, यहाँ जाके फिर फॉलोअर रुक जाएगा, यहाँ कोई मोशन नहीं होगा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, ठीक है, ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा इसको और डार्क कर देंगे, ओके। तो अभी जी के बाद इस पॉइंट को नाम देते हैं एच, ठीक है, और ये एक्स तो है ही है, ठीक है। तो अब ये ड्यूअल पीरियड तो यहाँ कांस्टेंट मोशन रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगा, लेकिन इसके बाद जो है, इसके बाद एंगल ऑफ डिसेंट है, तो डिसेंट का जो मोशन है, जो रिटर्न मोशन है, वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि वो कौन सा मोशन है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है या कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन के लिए कुछ नहीं करना है, हमको पता है कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन का ग्राफ कैसे बनता है, सीधे इसको एक लाइन से मिला देना है हमको, जो डायगोनल है इस डायगोनल को मिला देना है बिल्कुल यहाँ से। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन का हो गया, ये तो बहुत आसान है, इसको हम ऐसे ही मिला देंगे, ठीक है। और ये जो लाइन जो मिल रहा है, ये हर एक लाइन को जहाँ कट करेगा वो हमको पॉइंट मिल जाएगा। तो ये एक पॉइंट हो गया, इसको मान लो, इसको नाम देते हैं एच के बाद,
आई हो गया ये, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया, ये जे हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, ये के हो गया, ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट जो है इसको हम एक्स माने, एक्स ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये ऐसे हमको ग्राफ मिल गया ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन का, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो ये पूरा जो है ये हमको कर्व मिल गया है, ये जो है ये एंगल ऑफ एक्सेंट का है, मतलब जब फॉलोअर लिफ्ट हो रहा है, फॉलोअर राइज अप हो रहा है, ठीक है। तो ये राइज अप के लिए कांस्टेंट एक्सीलरेशन का कर्व मिल गया, उसके बाद ड्यूअल पीरियड हो गया, उसके बाद ड्यूअल पीरियड के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन से रिटर्न हो जा रहा है, फॉलोअर यहाँ तक पहुँच जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम बना लिया है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ये हमारा बन गया है। इसके बाद हम कैम प्रोफाइल डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले कैम प्रोफाइल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको एक सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। और सर्किल का रेडियस जो है इसमें दिया है, सर्किल रेडियस क्वेश्चन में कितना दिया है, यहाँ पे कैम का रेडियस दिया 20 mm, मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हमको एक सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ऐसे हम सर्किल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक रेडियस हम लेते हैं 2 सेंटीमीटर का, ये इसीलिए मैंने इसमें पहले पेंसिल लगा रखा था क्योंकि सर्किल हमको ड्रॉ करना था। तो यहाँ से ये जो है ये देखो, ये 2 सेंटीमीटर रेडियस हमने लिया है और यहाँ नीचे एक सर्किल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नीचे इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर भी कैम का भी फॉलोअर का भी यहाँ बनाना है ऊपर हमको, ठीक है। ये हमने कैम का जो मिनिमम रेडियस है उसको लेके हमने एक सर्किल बना दिया, ठीक है, ये सर्किल बन गया, ठीक है। अब इस सर्किल में जो है ये जो है ये सर्किल का सेंटर है, ठीक है। और बिल्कुल सर्किल के सेंटर से होते हुए जो फॉलोअर का लाइन ऑफ एक्शन है वो पास करेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में कि ऑफसेट है, फॉलोअर ऑफसेट टाइप ऐसा कुछ नहीं बोला है, मतलब मान लें कि रेडियल फॉलोअर है और ये बिल्कुल सेंटर से इसका एक्सिस पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, चूँकि फॉलोअर हमको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम खींचते हैं, यहाँ बना देंगे फॉलोवर। और चूंकि नाइफ एज फॉलोवर वाला है तो नाइफ एज फॉलोवर हमको पता है कैसे बनता है, तो इसको लेके हम नाइफ एज फॉलोवर जो है यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ये बन गया नाइफ एज फॉलोवर। हमको पता है नाइफ एज नाइफ टाइप एंड होता है, तो ये फॉलोवर हमने बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो फॉलोअर का जो ये बिल्कुल जहाँ से अभी फॉलोअर राइजअप नहीं हुआ, अभी यहाँ से राइजअप होना शुरू होगा। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हमने देखा था जहाँ से राइजअप होना शुरू, कहाँ से राइजअप होना शुरू हुआ था, लिफ्ट कहाँ से होना शुरू हुआ था, ये पॉइंट ए से। तो इसको हम पॉइंट ए ही नाम दे देंगे, यहाँ पे जो है ये पॉइंट ए है, ठीक है। यहाँ से राइजअप लिफ्ट होना शुरू होगा, तो इसके बाद जो कर्व बना है उसके हिसाब से हम कर्व बनाएंगे। अभी इतना करने के बाद यहाँ से राइजअप होना शुरू हो रहा है, सबसे पहले हमको 150 डिग्री का जो एंगल ऑफ एक्सेंट है, जो लिफ्ट हो रहा है फॉलोअर, उस दौरान एंगल कितना है उसका 150 डिग्री। तो यहाँ से कैम का जो है ये सेंटर लेके और यहाँ से जो है ए से लेकर 150 डिग्री का पोर्शन हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लगाएंगे, ये यहाँ पे हम ये प्रोटेक्टर को हम लगाएंगे और यहाँ से जो है 150 डिग्री ये जीरो है, और यहाँ से ये जो है ये 150 डिग्री हो गया, ये 150 को मार्क कर लेंगे, ठीक है, मार्क कर लेंगे और यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये जो है ये 150 डिग्री लाइन हो गई, ओके। और ये इसको यहाँ से खींच दो, ठीक है। तो ये जो एंगल हो गया ये ए से लेकर ये हो गया 150 डिग्री, ये है ये एंगल ऑफ एक्सेंट, ये एंगल ऑफ एक्सेंट के दौरान फॉलोवर इतना कैम इतना घूमेगा, इतना एंगल घूमेगा, ओके। उसके बाद ड्वेल कितना है 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमको 60 डिग्री खींचना है, ठीक है। तो 60 हम यहीं से लेते हैं, 150 में 60 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 210 आ जाएगा, ठीक है। तो 210 हम यहीं से ड्रॉ कर देंगे, इसी से इसी लाइन को बेस मान के हम ड्रॉ करते हैं, 210 ड्रॉ कर देंगे हम, ठीक है। 210 तो आएगा नहीं, एक मिनट, इसी को यहीं से 60 ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ इस लाइन से 60 ड्रॉ करना ये आसान रहेगा, यहाँ से जो है
इसको ऐसे लेके यहाँ से 60 डिग्री एंगल हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ये इतना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। इसको मिला देंगे हम, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ ड्वेल 60 डिग्री, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर यहाँ से ड्वेल के बाद एंगल ऑफ रिटर्न है वो कितना है 100 डिग्री, तो यहाँ से 100 डिग्री ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जो लाइन हमको मिलती जाए उसी को लेकर ड्रॉ करना आसान रहेगा। तो नेक्स्ट लाइन जो हमको यहाँ मिल गया है इसको लेकर 100 डिग्री ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से 100 डिग्री यहाँ कहीं आएगा, ये हमारा 100 डिग्री यहाँ मार्क कर लेंगे, ठीक है, ये 100 डिग्री हो गया। इसको मिला देंगे ऐसे यहाँ से, ये हो गया 100 डिग्री, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ रिटर्न, ये कितना हो गया, ये हो गया 100 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने और ये जो बचा हुआ है अगेन फिर ड्वेल है, लास्ट में अगेन फिर ड्वेल है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अभी हमको हमने कितना 1 सेंटीमीटर का कितना लिया है, जो हमने स्केल लिया, स्केल हमने कितना लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 डिग्री, ठीक है। तो मतलब हर एक हिस्से को हमको 25 डिग्री में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एंगल ऑफ एक्सेंट से शुरू करेंगे, इसको हमको 25 डिग्री में डिवाइड करना है 6 पार्ट में, जो टोटल हिस्सा है इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 25 डिग्री, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये 25 मार्क कर लेंगे हम लोग, 25 अगेन, 25 यहां से, 25, ठीक है, ये 25, हर एक पॉइंट को 6 पार्ट में डिवाइड करना है इस पूरे एंगल को, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में किया था, क्योंकि वहां लेंथ में डिवाइड किया था, यहां हमको एंगल में डिवाइड करना है। 25, ठीक है। तो ये देखो 6 पार्ट में डिवाइड हो गया है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब जो 6 पार्ट में डिवाइड हुआ है इसको हम मिला देंगे, ठीक है, ताकि ये पूरा एंगल जो है 6 पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है। इसको हल्के लाइन से मिला देंगे, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है ये, लेकिन इसमें कुछ इतना कुछ कठिन नहीं है, आसान है, बस हम समझ जाएं तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे यहाँ लेंथ डिवाइड किया था वैसे हमने यहाँ एंगल डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये एंगल में जैसे हमने 1, 2, 3 यहाँ नाम दिया था, यहाँ भी हम नाम दे देंगे, यहाँ ए के बाद ये हो जाएगी, ये पॉइंट 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, ठीक है। 6 तक हमने डिवाइड किया था, उसके बाद 6 के बाद ये ड्वेल पीरियड इसको डिवाइड करना नहीं है, ये 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 7 के बाद अगेन जो रिटर्न है, एंगल ऑफ रिटर्न है, ये 4 पार्ट में डिवाइड है, स्केल पे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये एंगल को भी, एंगल ऑफ रिटर्न को भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे 25 डिग्री पे, तो इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से 4 पॉइंट डिवाइड हो जाएगा, तो ये 25,
5 यहाँ से चार पटौटी ऐड हो गया, ठीक है। अब इस चारों को भी मिला देंगे यहाँ से, यहाँ से ये हल्के लाइन से मिला देंगे। ये हमने इसको भी चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे हमने स्केल पर डिवाइड किया है। अभी फिर इसके बाद पॉइंट देंगे, जैसे 7 के बाद 8, 9, 10, 11 ये पॉइंट आया, तो ये हम इसको मार्क कर देंगे 8, 9, 10 एंड 11, ये लास्ट पॉइंट 11 है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में डिवाइड किया था, वैसे यहाँ एंगल को हमने डिवाइड कर दिया है। अभी हमको क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम की हेल्प से हमको लेंथ मेजर करना है, ठीक है। लेंथ मेजर करके और यहाँ पे लेंथ कट करना है हमको, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए तो बिल्कुल ओरिजिन पे है, तो ए यहाँ पे बिल्कुल कैम की पे पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ वन से जो बी का डिस्टेंस है, वन से बी का डिस्टेंस हमको वन से फिर कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। तो ये डिस्टेंस, ये हम ये देखो, ये थोड़ा छोट, ये इसका डिस्टेंस ज़्यादा पड़ जा रहा है, ये डिस्टेंस बहुत कम है। इसको हम स्केल से देख लेते हैं, स्केल से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ आ रहा है, वन से बी तक का जो लेंथ आ रहा है, ये लगभग 2 mm का आ रहा है, ये लेंथ 2 mm का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 1 से बी तक का हम 2 mm लेंथ कट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से 2 mm लेंथ कट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये इससे नहीं हो पा रहा, तो इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है। ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 से सी तक का डिस्टेंस ये इसमें आ जाएगा, 2 से C तक का डिस्टेंस, 2 से C, ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस है। तो यहाँ से 2 से C तक का डिस्टेंस यहाँ से हम कट कर लेंगे, ये ठीक है। जो ना कट हो पा रहा है, जिसका डिस्टेंस कम पड़ जा रहा है, उसको हम स्केल से मेजर कर सकते हैं। स्केल से कर लो चाहे इससे कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया सी, ठीक है। सिमिलरली 3 से लेकर D तक का डिस्टेंस ये भी मेजर हो जाएगा। यहाँ से मेजर करके बस हमको कट करते जाना है, ताकि पॉइंट हमको मिल जाए, ये डी, ठीक है। ये डिस्टेंस इतना है, तो यहाँ 3 से D का हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, इसको यहाँ कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट, ये पॉइंट हो गया D, ठीक है। फिर 4 से E तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 4 से E तक का डिस्टेंस हमको मिल गया। अब इसको यहाँ 4 से कट कर लेंगे, यहाँ 4 से ये E कुछ डिस्टेंस है, ठीक है। इसको हम नाम ले लेंगे ई, ठीक है। जो डिस्टेंस हमने यहाँ कट किया है, वो डिस्टेंस इसको यहाँ हर लाइन पे कट कर लेंगे। 5 से F, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे। ये 5 से F तक का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। 5 से F यहाँ जो है, 5 से F तक का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, 5 से F, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया 5 से F। पॉइंट का नाम हम देते जाएंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद 6 से G, तो टोटल डिस्टेंस वही है 3 सेंटीमीटर, जो टोटल लिफ्ट है, यहाँ पहुँच गए हम। तो इसको एक मिनट, ये 6 से G तक का डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ 6 से जो पॉइंट जहाँ लिखा है, बिल्कुल वहीं से हमको डिस्टेंस लेना है, ठीक है। ये 6 से G तक का डिस्टेंस हो गया, 6 से G। अच्छा, 6 से G का जो डिस्टेंस है, 7 से H का भी वही डिस्टेंस है, क्योंकि ड्यूअल पीरियड है, तो 7 से भी वही डिस्टेंस हम कट करेंगे। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 7 से भी वही डिस्टेंस हम कट करेंगे, 7 से वही डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट H, ठीक है। उसके बाद H से आगे हम बढ़ेंगे, तो ये 8 से I, अब ये डिस्टेंस कम हो, घट हो गया, घट गया है, ये डिस्टेंस कम हो गया, तो कम कर लेंगे थोड़ा सा इसको हम डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया 8 से I तक का डिस्टेंस, तो ये 8 से I तक का डिस्टेंस यहाँ से हम कट कर लेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस 8 से I तक का डिस्टेंस जो है कट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया I, ठीक है। फिर 9 से G तक का डिस्टेंस,
9 से J, ये 9 से J तक का डिस्टेंस जो है, ठीक है, इसको 9 से हम कट कर लेंगे, तो यहाँ 9 है, 9 से J, इसको मैं ऐसे कट कर लेंगे, ठीक है, ये 9 से J हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 से K, 10 से K तक का डिस्टेंस कितना है, इसीलिए देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल बन नहीं पाएगा जब तक ये डिस्टेंस हमको ना मिले, तब तक तो हम बना ही नहीं पाएंगे। 10 से की मिल गया, ठीक है, 10 से के, ये के मिल गया, ठीक है। और फिर लास्ट जो एक्स, तो एक्स तो बिल्कुल एक्स तो एक्स एक्स पे ही है, ठीक है, इसमें कोई डिस्टेंस है नहीं, तो ये 11 पॉइंट यहीं रहेगा, ये एक्स पॉइंट हमको यहाँ मिल गया, ठीक है। अभी सारा पॉइंट हमको मिल चुका है, अभी सारे पॉइंट को मिलाते हुए जो है हमको एक कर्व बनाना है, वही कि हमको कैम का प्रोफाइल मिलेगा, सारे पॉइंट को मिलाते हुए हमको एक कर्व बनाना है, तो ध्यान से इसको मिलाएंगे हम, ठीक है। तो ए से पहले हम जाएंगे बी पे, ए से हमने मिला दिया बी को, ठीक है, और ए से बी सी डी सबको मिलाते हुए जाएंगे, ए से बी, जैसे जैसे पॉइंट मिला हमको मिलाते जाएंगे, ए से बी सी डी, ठीक है, ऐसे मिलाएंगे। फिर यहाँ से ये थोड़ा मैं हाथ घुमाना पड़ेगा इसको, ई एफ और डी सब जितना पॉइंट है सबको एक कर्व से मिलाते जाएंगे, जरूरी नहीं है बिल्कुल स्मूथ कर्व बने, थोड़ा सा ये हैम्पर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये ऐसे बन गया। फिर एफ से जी एच यहाँ से एफ से ये कुछ ऐसे बनेगा, एफ से से जी, यहां से एच, ठीक है, यहां से एच, फिर एच से आई जे और के, एच से आई, ये तो बिल्कुल नीचे आता हुआ कर्व है, आई जे और के, ठीक है, और यहां से फिर एक्स, एक्स तो बिल्कुल सर्किल पे ही पड़ रहा है, एक्स, तो ये यहाँ तक कर, उसके बाद यहाँ से बिल्कुल सर्कल पे ही है, तो इसको हम ऐसे ही मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैम का प्रोफाइल ड्रा हो गया, ठीक है, ये जो हमको मिला है ये कैम का प्रोफाइल ड्रा हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके हमको कैम का प्रोफाइल ड्रा करना है, तो यहाँ हम देखेंगे इसके लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हमको कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मोशन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसकी हेल्प से ही हम कैम का प्रोफाइल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है नाइफ एज फॉलोअर के लिए बड़े आराम से हमने कैम का प्रोफाइल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन अगर हमको मेथड पता है तो बड़े आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो था ये नाइफ एज फॉलोअर के लिए था, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में जो है अगर यही क्वेश्चन रोलर फॉलोअर के लिए दे दे तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमको बस थोड़ा सा चेंज करना है, चूंकि रोलर फॉलोअर जो होता है रोलर फॉलोअर में रेडियस आ जाता है, ठीक है। मान लो यहाँ हमने यहाँ इसी में मैं समझा दे रहा हूँ, ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा, इसी में थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ हल्का डायग्राम बना के। अगर मान लो नाइफ एज ना हो कि यहाँ रोलर फॉलोअर है, यहाँ पे जो है एक रोलर बना हुआ है, यहाँ सर्कुलर रोलर है, तो इसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है, रेडियस क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, तो वो रेडियस लेके हम यहाँ रोलर बना देंगे, ठीक है। अब जैसे हमने पॉइंट लिया है बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एक्स, ऐसे ही पॉइंट हम ले लेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, सारा पॉइंट हमको बी सी डी ई एफ सारा पॉइंट ऐसे ही दिखाना है, लेकिन चीज़ क्या करना है कि ये जो रोलर हमने बनाया है रेडियस लेके, यही रोलर हर पॉइंट बनाना पड़ेगा हमको, बी पे सी पे डी पे ई पे एफ पे, हर पॉइंट पे हम रोलर बनाएंगे। तो पहले बी बनाएंगे रोलर, यहाँ रोलर बनाएंगे हम, ठीक है, फिर सी पे रोलर बनाएंगे, ठीक है, फिर डी पे बनाएंगे रोलर, फिर ई पे बनाएंगे, फिर एफ पे बनाएंगे, फिर जी पे बनाएंगे, ठीक है, फिर H पे बनाएंगे, फिर I पे बनाएंगे, फिर G पे बनाएंगे, फिर K पे बनाएंगे, फिर X पे बनाएंगे, ठीक है। तो ये रोलर हमको सब हर पॉइंट पे बनाना पड़ेगा। ये हम रोलर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि रोलर फॉलोअर जो ट्रैवल करता है उसका ट्रेसिंग पॉइंट हम सेंटर को मानते हैं, और जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है ये नीचे का जो ये सर्कमफेरेंस टच कर रहा है ये कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये हमेशा इस कैम प्रोफाइल के ऊपर ही ट्रैवल करेगा रोलर, ठीक है।
अब जो हमने ये रोलर बनाया है, ये रोलर जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको हम पॉइंट मानेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ नीचे कट किया है सर्किल, यहाँ नीचे कट किया है, यहाँ पे 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 नीचे कट किया है। अब ये सर्किल, हर एक रोलर सर्किल जो है जहाँ पे कट किया है, अब उसको मिला के हमको कर्व बनाना है, ठीक है। अब उस पॉइंट को मिला के जो है हम कर्व ड्रॉ करेंगे, तब जाके कैम प्रोफाइल बनेगा। बस इतना फर्क है रोलर फॉलोअर में, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वर्किंग है रोलर फॉलोअर के लिए भी, जैसे नाइफ एज का वर्किंग है, बिल्कुल वैसे ही हमको करना है। फर्क बस इतना है कि इसमें सारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के बाद, सारा पॉइंट लेने के बाद, हमको हर एक पॉइंट पे रोलर बना के तब जाके पॉइंट हमको डिसाइड करके उसके बाद हमको कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना पड़ेगा। बस इतना फर्क है, ठीक है। तो इस तरीके से इस मेथड को हम फॉलो करके, चाहे नाइफ एज फॉलोअर हो चाहे रोलर फॉलोअर, दोनों के लिए हम कैम का प्रोफाइल बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।